नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज रामपुर और मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 510 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात, परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे आज सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर, रामपुर और मुरादाबाद दौरे पर आज रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां 510 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। राजकीय विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास करेंगे योगी। इस वक्त की बड़ी खबर, रामपुर और मुरादाबाद दौरे पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां वो 510 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामपुर और मुरादाबाद के दौरे पर हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होने वाली है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर बैठक होगी आज, और बैठक में उत्तर प्रदेश के 24 उम्मीदवार आज तय होंगे। जेपी नड्डा और अमित शाह इस बड़ी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम को तय करने को लेकर बीजेपी की कोर ग्रुप की आज बैठक होनी है। इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह की भी मौजूदगी के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 24 उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लग सकती है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की आज अहम बैठक होनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा होगी। इस अहम बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी की बात कही जा रही है। यूपी के 24 उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लग सकती है। बड़ी बैठक बीजेपी के कोर ग्रुप की होने वाली है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर के अहम फैसले लिए जाने हैं। उत्तर प्रदेश के 24 उम्मीदवारों के नाम आज के इस अहम बैठक में तय किए जा सकते हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी शामिल होने की खबर है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक आज होने वाली है। इस बैठक में अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के 24 उम्मीदवारों को लेकर के इस बैठक में अहम फैसले किए जा सकते हैं। इस बैठक के बाद 24 उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज, और इसी कड़ी में आज कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। अहम बैठक में गृह मंत्री भी शामिल होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अहम बैठक, क्योंकि बैठक में यूपी के 24 उम्मीदवारों की आज नाम तय किए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारियां तेज हैं, और इसी कड़ी में लगातार उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है। उम्मीदवारों की सूची में उत्तर प्रदेश के 24 नामों पर आज की बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। कोर ग्रुप की, बीजेपी के कोर ग्रुप की आज बैठक है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कोर ग्रुप की आज बैठक होने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 24 उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लग सकती है। अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों को लेकर यह बैठक अहम है, और भी कई मामलों में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी ये अहम बैठक मानी जा सकती है। कोर ग्रुप की बैठक है, जेपी नड्डा के साथ साथ अमित शाह के भी शामिल होने की खबर सामने है, और उत्तर प्रदेश के 24 उम्मीदवारों की सूची इस बैठक के बाद जारी की जा सकती है। 24 नामों पर आज मुहर लग सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम बैठक, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होनी है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, बड़ी बैठक है, बड़े नाम शामिल हो रहे हैं इस बैठक में। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा के साथ साथ अमित शाह भी होंगे। कोर कमेटी की बैठक है, 24 नामों पर आज फैसला होना है। क्या कुछ अहम फैसले और भी लिए जा सकते हैं इस बैठक के बाद? बिल्कुल शिवानी, देखिए ये निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है,
क्योंकि उत्तर प्रदेश में 51 लोकसभा की सीटों का डिक्लेरेशन तो हो गया है, लेकिन उसके बाद जो सीटें बची हुई हैं 29 सीटें, उन 29 सीटों पर फैसला लेना है पार्टी को, जिसमें आज उम्मीद की जा रही है कि 24 सीटें ऐसी हैं, 5 सीटें छोड़ करके, जिन पे आज फैसला आ सकता है। और ये 24 सीटें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मंथन करके इनके लिए प्रत्याशी तय किए होंगे। अब इन पे चेहरे रिपीट होंगे या नए चेहरे आएंगे, क्योंकि इसमें ढेर सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव पहले नहीं जीती है, उन पर भी कैंडिडेट डिक्लेयर होना है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण बैठक निश्चित रूप से जेपी नड्डा इसमें रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ माने जाते हैं, वो भी प्रधानमंत्री से निर्देश प्राप्त करके इस बैठक में कैंडिडेट डिक्लेरेशन में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। और निश्चित रूप से ये बड़ी खबर होगी आज की कि भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र की सत्ता में भी है और उत्तर प्रदेश राज्य की सत्ता में भी है, वो किन सीटों पर कौन कौन से कैंडिडेट्स का नाम तय करती है, देखने की बात होगी। शिवानी जी, अमरेंद्र, बड़ी जानकारी आपने दी है कि ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी, इनमें से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी नहीं जीती है, तो क्या लगता है उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी होने वाली है उसमें बीजेपी नए चेहरों पर रिस्क लेगी या कद्दावर नेताओं को उतारेगी? क्योंकि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों पर अगर हम गौर करें तो बीजेपी ने ज्यादा रिस्क ना लेते हुए अपने बड़े चेहरों को चुनाव में उतारा था। बिल्कुल शिवानी, देखिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक ऐसी पार्टी है जो बहुत मंथन करके चीजों को सामने लाती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी के फैसले चौंकाने वाले होते हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बड़े चेहरों को जो कि पहले से मुख्यमंत्री रहे थे उनको बदला। न तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, न डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, न वसुंधरा राजे सिंधिया बनी। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने रूट लेवल के कार्यकर्ताओं को उठा करके और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी और एक मैसेज दिया गया था पूरे देश को कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता को पूरा मौका कभी भी मिल सकता है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आज की बैठक में भी लोकसभा की इन महत्वपूर्ण सीटों पर कई जगह पर रूट लेवल के कैंडिडेट्स को मौका मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शायद एक बार फिर चौंकाने वाला कोई फैसला ले सकती है। शिवानी जी, बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली है, 24 उम्मीदवारों के नाम तय किए जा सकते हैं और बीजेपी चौंकाने वाले फैसले भी ले सकती है। धन्यवाद अमरेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। काशी सांसद पीएम मोदी की वजह से काशी में सनातन और संस्कृति के प्रति देश में नहीं अपितु विदेशों से भी पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि हुई है। वहीं काशी की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। रोजाना 1,00,000 की संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ धाम दर्शन के लिए आते हैं। इसके साथ ही गंगा घाट की आरती और यहाँ की लोक संस्कृति से भी जुड़ते हैं। इसी अवसर पर TV27 की संवाददाता आंचल सिंह रघुवंशी, काशी विश्वनाथ धाम न्यास के सदस्य वेंकट रमन धनपति से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। लगभग 500 वर्ष बाद रामलला की जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में, जिसे ये कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के हृदय में कहीं ना कहीं राम बसते हैं, तो आज हम काशी में उपस्थित हैं काशी विश्वनाथ धाम न्यास के सदस्य वेंकटेश रमन जी के साथ। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि काशी विश्वनाथ धाम में अभी क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। नमस्कार, मैं के वेंकट रमन। बहुत ही 2014 के बाद हम देखा जाए तो हमारा जो काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी किस लिए जाना जाता है, हमारे गंगा माता और काशी विश्वनाथ जो ज्योति स्वरूप में बाबा बैठे हैं, इनके लिए जाना जाता है। लेकिन जब से 2014 से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे काशी के, हम लोग का भी सौभाग्य कि यहाँ के सांसद हैं, निश्चित ही काशी विश्वनाथ मंदिर जो पूर्व में था, जब 1,000 की संख्या में लोग आते रहे तभी उसके बाद दर्शन नहीं हो पाता रहा, क्योंकि बहुत छोटा था, कई मकाने थी, छोटी छोटी गलियां थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया, क्योंकि काशी जाना ही जाता है पूरे भारतवर्ष में, नहीं विश्व में, जो भगवान भोलेनाथ की राजधानी है काशी है, जब तक विश्वनाथ मंदिर देवालय का विकास नहीं होगा, काशी का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने संकल्प लेके काशी विश्वनाथ धाम जो भव्य धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से उद्घाटन हुआ, उसके बाद देखेंगे तो हमारे काशी की जो काया है पूरा विकास बदल ही गया है, क्योंकि अनेक दर्शनार्थी चाहे दक्षिण भारतीय हो, क्योंकि दक्षिण भारतीय में तो काशी के प्रति अटूट विश्वास एवं श्रद्धा है। काशी में आना, अपने जिंदगी में एक बार गंगा स्नान करना, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना, उसके कारण क्या होगा, काशी की जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत ही मजबूत हुई है, क्योंकि जब पर्यटक आते हैं तो वहाँ का विकास भी होता है।
इस कुल मिला के काशी में आर्थिक उन्नति हुई है। निश्चित ही आर्थिक व्यवस्था काशी की, जो काशी विश्वनाथ धाम है उसके बन जाने से बहुत मजबूत हुई है। काशी का जो महापर्व रहा है शिवरात्रि का, ऐसा आंकड़ा लगाया गया कि 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां पे उपस्थित हुए हैं। उनपे काशी विश्वनाथ धाम में कैसी रौनक रही, वहां पे श्रद्धालु कहां कहां से उपस्थित थे, उसके बारे में बताएं। निश्चित ही पहली बार कई सालों के पश्चात इस बार जो महाशिवरात्रि सम्पन्न हुआ, 10 लाख की संख्या में दर्शनार्थी पूरे भारत से नहीं विश्व से भी यहाँ पर आए थे। काशी के जो सांसद हैं पीएम नरेंद्र मोदी, वो संसदीय पद से चुने जाने से पहले भी बनारस आए हुए थे और उन्होंने स्वतंत्रता भवन में वटुकों को और यहाँ की कला संस्कृति के लिए सम्मानित किया। प्रथम बार हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से सांसद संस्कृत प्रतियोगिता का हम लोग ने आयोजन किया, जो हमारे विश्वनाथ मंदिर के देवालय में प्रांगण में संपन्न हुआ 2 दिवसीय। उसमें जो प्रथम पुरस्कार, जिनको प्रथम द्वितीय तृतीय आए थे, जो प्रथम विद्यार्थी थे, उनको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता भवन में उनको सम्मान भी किया गया। उससे क्या हुआ, जो लोगों का संस्कृत के प्रति रुझान है बहुत बड़ा, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं किसी इस तरह के कार्यक्रम में, लोगों का और ध्यान आता है, जो हमारे छात्र हैं उनको और पढ़ने के लिए उनको उत्साह होते हैं। इसलिए प्रथम बार इस तरह का संस्कृत सांसद, जो सांसद संस्कृत प्रतियोगिता हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आके उसमें सम्मिलित हुए और हमारे जो भी उसमें भाग लिए थे उनको उनके हाथ से पुरस्कृत भी किए। वो इस समारोह से कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में भी फायदा होने वाला है। निश्चित ही हम हर चीज को फायदे के रूप में देखना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं हम सभी को जोड़ते हैं, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा जो है, हम जब कोई भी कार्य करते हैं उसी से सभी का विकास है। अभी विपक्ष में किसी को भी टिकट नहीं मिला है, तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये जो चुनाव एकदम निष्पक्ष होने वाला है, कोई भी उम्मीदवार अभी तक नहीं चुना गया विपक्ष के तौर। निश्चित ही अगर कोई विपक्ष से उम्मीदवार भी आता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को इस बार लोगों ने संकल्प लिया है कि अधिक से अधिक मतों से हमारे वाराणसी संसदीय क्षेत्र से उनको विजयी बना के हम लोग दिल्ली भेजेंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत ही चर्चित नारा निकाला है 400 पार, इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम लोग का सौभाग्य की ऋषि तुल्य है वो, ऐसा प्रधानमंत्री पूर्व में हम लोग ने नहीं देखा। तो प्रत्येक भारतवासी, केवल काशी में नहीं, प्रत्येक भारतवासी इस समय यही संकल्प ले रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया 400 पार का, वो परिपूर्ण हो, ऐसा संकल्प लोग लेके अपना तपस्या कर रहे हैं और हम लोग का भी पूर्ण विश्वास है निश्चित ही 400 पार इस बार होगा। जैसा कि आप हमारे साथ सुन रहे थे काशी विश्वनाथ धाम के नाथ सदस्य, इन्होंने हमें ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से वाराणसी के सांसद हुए हैं तब से कितनी आर्थिक वृद्धि हुई है, और जहां तक संस्कृति और सनातन की बात है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि और लोगों के प्रति श्रद्धा देखी जा रही है। मैं आंचल सिंह रघुवंशी, बनारस। बुलेटिन में एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। भदोही सीट से चुनाव लड़ेगी ममता की पार्टी टीएमसी। तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। सपा ने यूपी में भदोही सीट टीएमसी को दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। टीएमसी ने खुद ट्वीट करके इस मामले में जानकारी दी है। भदोही सीट से चुनाव लड़ेगी ममता की पार्टी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक सीट पर चुनाव लड़ेगी टीएमसी। तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। सपा ने यूपी में भदोही सीट टीएमसी को दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग को लेकर पचे फेस में एक नया खुलासा हुआ है, जहां भदोही सीट से टीएमसी चुनाव लड़ेगी। सपा ने उत्तर प्रदेश में एक सीट यानी कि भदोही की सीट टीएमसी को दी है। टीएमसी जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। और अब उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गंगा रिसोर्ट में उत्तराखंड सरकार के द्वारा इंटरनेशनल योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे, मंत्री कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने संयुक्त रूप से इंटरनेशनल योग महोत्सव का शुभारंभ किया। बता दें कि इंटरनेशनल योग महोत्सव में 6 योग स्कूलों में प्रतिभाग लिया। इसमें मुख्य रूप से मानव धर्म रिमी, द आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन,
कोयमंदूर, कृष्णाचार्य योग मंदिराम चेन्नई, रामानी अयंगर मेमोरियल योग संस्थान शिवानंद आश्रम है। योग महोत्सव में नामित योगाचार्यों के द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग सहित अन्य योग मुद्राओं की प्रस्तुति भी दी जाएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में योगा सेशन के तहत मेडिटेशन सेशन, लाफ्टर योगा एवं हीलिंग, डिवाइन स्पीकर, पैनल डिस्कशन, कीर्तन, गंगा आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में 6 योग स्कूलों ने प्रतिभाग लिया है और योग के तमाम आसन, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग, मेडिटेशन वगैरह की जानकारी भी इस कार्यक्रम में दी जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के हाथों किया गया है। कई विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में 6 योग स्कूलों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। विशिष्ट अतिथियों के द्वारा और योग गुरुओं के द्वारा भी यहां पर आसन करके लोगों को दिखाए जाएंगे। बड़ा कार्यक्रम योग को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें न केवल लोगों को योग कराया गया बल्कि उसके बारे में विशिष्ट जानकारियां भी दी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में 6 स्कूलों ने प्रतिभाग किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां योग के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ लोगों को योग करना सिखाया भी जा रहा है। लाफ्टर थेरेपी से लेकर द आर्ट ऑफ लिविंग के सेशन भी इस कार्यक्रम में चलाए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 6 योग स्कूलों ने इसमें प्रतिभाग किया है। बड़े कार्यक्रम में कई योग आसन के बारे में जानकारी भी दी गई है और उसका अभ्यास भी कराया गया है। पर्यटन मंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत हुई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसका शुभारंभ किया है। 6 योग स्कूलों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है, जहां युवाओं को, लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। नगर पालिका मुनि करौली ढालवाला पार्क में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 38 करोड़ रुपए की 62 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष मुनि किराती रोशन रतूड़ी और सीओ नरेंद्र नगर अस्मिता ममगाई, एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी सहित कई लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी योजनाओं का कार्य जल्द पूर्ण किया जाएगा, साथ ही इन योजनाओं से जनता भी लाभान्वित होगी। 38 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री का अहम बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि तमाम योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और आम जन को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि 38 करोड़ की योजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया गया, जिसके बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि जल्द ही इन सभी योजनाओं को पूरा किया जाएगा और आम जन तक इसका लाभ पहुँचाया जाएगा। इस दौरान कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे, जहाँ कैबिनेट मंत्री के द्वारा 38 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। योजनाएं तो नगर पालिका मुनिगेटी की है और 48 योजना है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, चाहे वो वन विभाग की हो, चाहे वो खनन न्यास से हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेक्टर की हो, सड़कों का पक्का करना, उसके अलावा स्कूलों के निर्माण और तमाम 12 पुलिया है जो कि गदेरों में बरसात के मौसम में लोगों के लिए बहुत लाभदायक होंगे, वन क्षेत्र उनको बनाना, ये सारी योजनाएं तो तकरीबन कुल मिलाकर के 62 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। और मुझे विश्वास है कि आचार संहिता अब जब भी लग जाए उसके बाद जब भी खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जेल में फैली अव्यवस्थाओं और जेल के जर्जर भवन का स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार से पूछा कि जेल को शिफ्ट किया जाए या इसका सुधारीकरण किया जा सकता है, 10 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट करें। कोर्ट ने अधिवक्ता श्रुति जोशी को MS क्यूरी नियुक्त करके जेल का निरीक्षण करने के साथ साथ कैदियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनने और जेल में बंद कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रोजगार धरन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पर सुझाव देने को कहा है, ताकि जेल से बाहर आने के बाद कैदी बेहतर जीवन जी सके।
माननीय न्यायालय ने आज संज्ञान लेते हुए सुओ मोटो पीआईएल इंटरटेन करी है, जो कि नैनीताल जेल की मूलभूत सुविधाओं और भवन की स्थिति के बारे में है। नैनीताल की जो बिल्डिंग है, जेल की बिल्डिंग 1906 में बनी है और बहुत जर्जर अवस्था में है। कई जगह से यहाँ पे पानी टपकता रहता है और मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। ये जो जेल है, इसकी कैपेसिटी केवल 70 कैदियों की है, जिसमें कि 140 कैदी अभी रह रहे हैं और उनको प्रॉपर सुविधाएँ, जो कि एक इंसान होने के नाते उन्हें मिलनी चाहिए, वो नहीं है। और दूसरा, जेल की एक्सेस जो है वो रोड से, हॉस्पिटल से नहीं है। और दूसरा ये है कि ये बहुत सेंसिटिव जोन में है, जहाँ पे कई बार लैंडस्लाइड की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में होने वाली लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राज्य के 5 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहा। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के नेता दिल्ली टिकट के लिए जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता टिकट ना लेने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। देखिए, इन मॉडर्न मदरसों में हमने एक एजुकेशन कमेटी में कर्नल वीएस मलिक को जिम्मेदारी दी थी। कर्नल वीएस मलिक गोखा रेजिमेंट को हेड कर चुके हैं। वो कई अलग अलग लाइंस के ऊपर विदेशों में भी फौज की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं और अभी फिलहाल उन्होंने अपनी 2 बेटियों को, ताशी और नोशी को, एवरेस्ट पे चढ़ने में भी वो सबके सामने उनका विषय आया था। उन्होंने, उनका भी ये दिल है कि जो बेटियां हैं मॉडर्न मदरसों, उन बेटियों को भी हम ट्रेन करके कैसे देश के लिए, देश की फौज के लिए तैयार कर सके, कैसे हम बच्चों को बचपन से ही उनके अंदर कूट कूट के राष्ट्रवादी विचारधारा को भर सके। जोत सिंह गुनसोला को कांग्रेस ने टिहरी लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। जोत सिंह गुनसोला को प्रत्याशी बनाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने कहा है कि ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है कि कांग्रेस ने उन्हें यहां से प्रत्याशी घोषित किया है। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, राज्य नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, जिन साथियों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया उन सब का धन्यवाद करता हूँ, जनता का धन्यवाद करता हूँ, पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने, शीर्ष नेतृत्व ने एक कार्यकर्ता को जो है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV27 न्यूज़।